हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ रोहित। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा जेके एसएसबी का प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर। तो मैं आपके साथ यहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक देख लेना एंड फ्रेंड्स आप उसको वहाँ से डायरेक्टली उस पर क्लिक करना, तो वो आपको डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर लेना एंड देन उसको स्टडी कर लेना। अब आई थिंक 350-400 क्वेश्चन हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन हैं सारे, एंड वो सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स हैं। एंड एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, वो क्वेश्चन जेके एसएसबी बोलूँगा तो यही है कि उनको कॉपी पेस्ट ही करने वाला है। जैसे हमारा जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है तो आपने देखा होगा प्री का सिलेबस बिल्कुल उन्होंने कॉपी, जो आईएएस के प्री का सिलेबस कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो इनकी तो आदत ही है, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो प्रीवियस ईयर एग्जाम 3-4 साल पुराने पेपर से ही वो करते हैं सेट। तो वो सारे क्वेश्चन एक साथ ही हैं, वो आप देख लेना ज़रूर। 350-400 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के मिक्सड हैं सारे, तो आप उनको ज़रूर कर लेना। उसमें से चांसेस हैं कि 10-12-15 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, क्योंकि ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आप उसे डाउनलोड ज़रूर कर लेना एंड उसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इसकी, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर के लिए बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं कल अपलोड करने वाला था, तो मैंने सोचा चलो जितनी जल्दी हो सकता है, आप कि एग्ज़ाम का कम टाइम है, एग्ज़ाम आने वाला, तो जितने जल्दी हो सकता है आप उतने जल्दी उसको करो प्रिपेयर। सो यू नो, एक्चुअली मैं वीडियो देख रहा था, मैं जेके एसएसबी का चैनल लिया है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप अच्छा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, अच्छे वीडियोस पोस्ट किए हैं। बट इस मॉर्निंग में मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने स्टडी मटेरियल शेयर किया था। तो एक्चुअली मैंने देखा कि स्टडी मटेरियल, यू नो, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि यार आप विदाउट कुछ हेल्प आप करना चाहो ना, तो विदाउट कंडीशन करो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब कुछ चीज़ें जब आप शेयर कर सकते हो, मतलब आप कई इंसानों की आदत होती है ना, मतलब यार अब क्या बोलूँ। मैंने उनको मैसेज किया था तो मैंने कहा सेंड करना स्टडी मटेरियल, मैं ऐसे चेक कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये पीडीएफ था उनके पास आई थिंक। सो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी यार, मैंने कहा यार अब कोई हेल्प कर रहा है तो कंडीशन नहीं रखनी चाहिए किसी को हेल्प करने के लिए। अब आप कर सकते हो जो आपके हाथ में पॉसिबल, आप हेल्प कर सकते हो विदाउट एनी कास्ट, तो उसका कोई इशू, उसमें इशू नहीं होना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी अजीब लगी यार, मुझे लगा यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो वो तो रही उनकी बात। चलो आप इस वीडियो को देख लेना, इस लिंक पे पीडीएफ जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसके एंड उससे जो आपकी हेल्प होगी तो होगी। तो सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। होप सो आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर तो करना ही करना, सब्सक्राइब भी करना एंड लाइक तो करना ही करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।